और भानी ग्रुप की तरफ से ये आयोजन किया गया है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आज रामनवमी है, रामनवमी की तैयारी भव्य हो रही है। आपको पीछे दिखाएंगे जो भयानक डीजे कहा जा सकता है वो, उसका निर्माण हो रहा है रामनवमी को। चल ज्ञानपुर में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसके डीजे जो आपको ये आप देख सकते हैं, ये गोपीगंज प्रयागराज विंध्याचल का एक मार्ग है, ठीक है। गोपीगंज जो ज्ञानपुर के मध्य में, ये बहुत बड़ा डीजे बनाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं डीजे की तरफ। ये देखिए बहुत बड़ा डीजे है जो, ये जो डीजे बन के तैयार हो रहा है ये देखिए, ये अभी गाड़ी निकल रही है। हम इसी पे जो है भव्य डीजे का जो निर्माण हुआ है, वेल्डिंग वगैरह, आप भदोही ज़िला में आपने ऐसा डीजे नहीं देखा होगा। ये कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, दो डीजे बनाया गया है, बहुत ही भयानक। ये देखिए निकल रहा है जो डीजे है, निकल रहा है, कितना भयानक है आपको हम नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका निर्माण हो चुका है, एक डीजे और है, इन दोनों में कंपटीशन होगा बहुत ही खतरनाक। ये जो डीजे निकल रहा है आप देख सकते हैं, काफ़ी जाम लग चुका है। ये इस डीजे की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये भयानक भदोही ज़िला का अब तक का सबसे भयानक डीजे कहा जा सकता है। वजह से देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लंबा भीड़ हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा डीजे जो है रास्ते में तैयार किया जा रहा है। वो देखिए आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा डीजे है जो ज्ञानपुर और गोपीगंज के बीच में है। दो डीजों के बीच महायुद्ध होगा लगभग 2 से 3 के आसपास में, हम आपको दिखाएंगे। पीछे का डीजे जो है इतना बड़ा विशाल बनाया गया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा भीड़ लग चुका है। डीजे का आविष्कार हो चुका है, यानी बन चुका है, बहुत बड़ा डीजे बना। ज्ञानपुर का तिराया है, यहाँ से आने के बाद डीजे जो इस रास्ते से होके जाएगा मुख्यालय की तरफ और ये जाता है ज्ञानपुर काशी नरेश जो राजकीय इसका विद्यालय है। ये ज्ञानपुर का तिराया है, यहीं जो ये देखिए भयानक डीजे यहाँ पे भी लगा हुआ है और इतना भव्य आयोजन किया गया है। ज्ञानपुर पूरा भगवामय हो गया है, देख सकते हैं इतना भयानक डीजे का आयोजन। और यहाँ पे देखिए पूरा ये साउंड सिस्टम बना हुआ है। झांकी देखिए यहीं से निकलेगी, ये महादेव जय बाबा बर्फानी ग्रुप का ज्ञानपुर का जो है पंडाल बनाया गया है। और ये देखिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो तैयार होके हुआ मंदिर, ये काफ़ी दिनों के बाद तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। ये देखिए राम भगवान की मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी जबरदस्त तैयारी। जय बाबा परभानी ग्रुप की तरफ से ये आयोजन किया गया है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। I'm not afraid of the dark.
Hey!